नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हमारे पास है ऑल न्यू बजाज पल्सर NS160 BS6 मॉडल। देख सकते हैं एकदम आपको ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन में गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या इसकी ऑन रोड प्राइसिंग रहने वाली है, कितना गाड़ी आपको माइलेज निकाल के देने वाली है और क्यों नंबर वन बाइक है 160 cc सेगमेंट में। आज मैं आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने की सारी वीडियो का उनको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर बात करें इस गाड़ी के बारे में तो मैं आपको बता दूँ, पहले आप इस गाड़ी का लुक देख सकते हैं। आपको ये बजाज कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है पल्सर। आपको पता होगा स्पोर्ट्स में नंबर वन बाइक है। देख सकते हैं आप लोग पूरा लुक वाइज गाड़ी देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। आपको लुक वाइज कहीं से भी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, तो आप लुक चेकआउट कर लिए। उसके बाद अगर फ्रंट से बात कर लें तो आपको इसमें सिंगल चैनल लेबल देखने को मिल जाता है। आपको फ्रंट में 90x90 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। देख सकते हैं फ्रंट का आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने में बहुत सही लगता है, एंटी फ्रिक्शन साथ देखने को मिल जाता है। बाकी और गाड़ी की बात करें तो आप फ्रंट से गाड़ी का लुक देख सकते हैं, आपको देखने में बहुत ही सही, बहुत ही शानदार लगती है। व्हाइट कलर के आपको इसमें अलॉय व्हील ऑफर्स किए गए हैं। देख सकते हैं रेड कलर की स्ट्रिपिंग की गई है। यहाँ पे आपको थोड़ी मैट फिनिश देने की कोशिश की गई है। बाकी आप फ्रंट में देख सकते हैं आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है, जिसका आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पांस देने को मिलने वाला है। नाइट विजन में आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। साइड्स के इंटीरियर चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे फिनिश के साथ देखने को मिल जाते हैं, अच्छे शेप वाले देखने को मिल जाते हैं फ्रंट से। बाकी आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात कर लें तो आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर एनालॉग वाला देखने को मिलता है। अच्छा मीटर कंसोल आपको बजाज कंपनी ऑफर करती है पल्सर NS160 में। बाकी आप देख सकते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल बैटरी बजाज की साइन यहाँ पे, इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS ब्लिंकर। उसके बाद RPM का जो मीटर होता है, अगर आपकी RPM 10 से ऊपर जाएगी तो वहाँ पे आपको एक लाइट टॉप पे देखने को मिल जाएगी। दो स्विचेस दिए गए हैं जिसे आप रीसेट कर सकते हैं। बाकी आप RPM मीटर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है, ऑडो मीटर आप देख सकते हैं, ट्रिप मीटर देख सकते हैं, आपको स्पीडोमीटर, सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिल जाती है ओवरऑल इस गाड़ी में। उसके बाद आप इसके हैंडल बार देख सकते हैं। हैंडल बार में भी आपको पास का स्विच, हाई बीम लो बीम, आपको सारे स्विचेज अच्छे क्वालिटी वाइज अच्छे स्विचेज हैं, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी आप इसका हैंडल बार इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है राइट हैंड साइड पे, और आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो आपका सेल्फी स्टार्ट होता है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी आप गाड़ी का टैंक चेकआउट कर सकते हैं, देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में ऑफर कर दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं। आपको फ्रंट से जो 160 यहाँ बैचिंग की गई है व्हाइट कलर से, देखने में बहुत ही सही लगती है, बहुत ही शानदार लुक आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी। और आपको इसमें 177mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 177mm बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी ऑफर करके देती है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आपको इसमें 5 गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर इंजन वाइज बात कर लें तो 163cc का 4-स्ट्रोक 4-वाल्व ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क BS6 DTSI FI इंजन आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन ऑफर किया जाता है कंपनी तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है। और पावर फिगर से बात कर लें, 17.2 PS की आपको पावर देखने को मिल जाती है एट द रेट 9000 RPM पे, और वहीं आपको 14.6 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है एट द रेट 7250 RPM पे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आप फ्यूल इंजेक्शन की बैचिंग देख सकते हैं, जो आपको फ्यूल इंजेक्शन की बैचिंग क्लियरली की गई है। बाकी इस गाड़ी के सीट में अच्छी कुशनी की गई है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फैशन में भी रखता है, आपको स्प्लिट सीट इसमें देखने को मिल जाता है 160cc में, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आपको NS की बैचिंग की गई देख सकते हैं। आपको इसमें किक भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत कंपनी क्या करती है, प्राइस कट करने के लिए किक रिमूव कर देती है अपनी गाड़ी से, लेकिन यहाँ पर आपको किक रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। कभी अगर बैटरी डाउन हुआ तो आप किक से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन की यहाँ बैचिंग की गई है। आप बैक से गाड़ी का लुक चेकआउट कर सकते हैं, रेड व्हाइट और ब्लैक जो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। बैक में आप देख सकते हैं आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विथ कैनिस्टर शॉकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप बिल्कुल इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप बैक में देख सकते हैं आपको व्हाइट कलर के अलॉय देखने को मिलते हैं, रेड कलर की स्ट्रिपिंग की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। 120x80 17 इंचेस वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। बैक में आपको 230mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको ब्रेकिंग वाइज भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिलने वाला है, बैक में आपको डिस्क देखने को मिल जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप इसे बिल्कुल ब्रेकिंग वाइज आपको गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलने, ब्रेकिंग वाइज बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देने को मिलेगा। बाकी आप गाड़ी का बैक से लुक चेकआउट कर सकते हैं, आपको LED टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। साइड्स के इंडिकेटर चेकआउट कर सकते हैं, स्प्लिट टाइप के रखे गए, देखने बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग लगते हैं। बाकी आप इसका टेल देख सकते हैं, बहुत ही स्प्लिट रखा गया, बहुत ही स्लिम टेल रखा गया है। बाकी पीछे का ये ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, इसको भी स्प्लिट टाइप का रखा गया है। NS160 की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी टोटली गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका प्राइसिंग वाइज बात कर लें, लगभग आपको ये 1,25,000-1,30,000 तक आपको ये ऑन रोड देखने को मिल जाएगी,
जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल इतने पैसे में आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन नंबर देता हूँ, बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शोरूम से। और बहुत लोग कन्फ्यूज भी हैं कि 2021 में इसे परचेस करें या ना करें, बिल्कुल आप 2021 में इसे परचेस कर सकते हैं। 2021 में आपको 160cc में आपको इसको कोई भी कॉम्पिटिटर बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा आपको पैकेज देखने को मिल जाता है, लगभग 125,000-130,000 में आपको अच्छे खासे पावर फिगर्स, अच्छे खासे लुक आपको देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं लुक वाइज गाड़ी कहीं से भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। पावर फिगर सबसे ज़्यादा है, 17 PS आपको सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके गाड़ी देती है 160cc में, जो कि अच्छी बात है। पिकअप वाइज अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है, ब्रेकिंग वाइज भी आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही था एक डिटेल्ड वीडियो बजाज पल्सर NS160 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता रहूँ। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इस बाइक से रिलेटेड या किसी बाइक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकता है। बाकी आप इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है। 2021 में आप बिल्कुल इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, आपको अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है बजाज कंपनी की तरफ से। 160cc में बहुत अच्छी पैकेज आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी। आपको मुझे सबसे बड़ा पॉइंट इस गाड़ी का लुक लगा, और इस गाड़ी में जो आपको पावर देखने को मिल जाता है वो बेस्ट इन सेगमेंट लगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आपको इसमें सबसे बेस्ट क्या लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।